पीएम किसान अपीय योजना 2022 मोदी सरकार दे रही है किसानों को कृषि से जुड़ा व्यवसाय शुरू करने पर 15 लाख रुपए। जाने किसान कैसे ले इस योजना का लाभ। अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वो फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारी लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल। पीएम किसान अपीय योजना 2022 मोदी सरकार दे रही है किसानों को कृषि से जुड़ा व्यवसाय शुरू करने पर 15 लाख रुपए। जाने किसान कैसे ले इस योजना का लाभ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिकाटोनूज में। नई दिल्ली, किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को समय समय पर कई योजनाओं को लॉन्च किया जाता है। सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए इन योजनाओं के माध्यम से उनकी हर संभव मदद करती रहती है, जिससे किसानों की खेती बाड़ी में अच्छा खासा मुनाफा हो सके। वह जमाना गया जब किसान खेती बाड़ी से मात्र अपनी जीवन उपार्जन कर पाते थे। अब किसान खेती बाड़ी से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और वर्तमान समय में सरकार भी इसके लिए किसानों को बहुत अवसर प्रदान कर रही है। कृषि के विकास के लिए सरकार नई नई योजनाओं को लेकर आती रहती है। दरअसल देश के किसानों को खेती बाड़ी में अच्छा लाभ मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके इसके लिए सरकार ने एक अहम घोषणा की है। सरकार अब किसानों खेती से जुड़ा व्यवसाय शुरू करने के लिए 15 लाख रुपए दे रही है। यदि आप खेती बाड़ी से जुड़ा कोई व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं, तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान अपीय योजना के बारे में, दरअसल देश के किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय सहायता योजना चलाई जा रही है। सरकार इन्हीं वित्तीय सहायता योजना से जुड़ी एक योजना है जिसका नाम पीएम किसान अपीय योजना है। ये योजना एक प्रकार की किसान उत्पादक संगठन योजना है जो किसानों के हित में कार्य कर रही है और कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। पीएम किसान अपीय योजना के अंतर्गत ऐसे संगठनों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से संगठनों को खेती बाड़ी से जुड़े व्यवसाय को शुरू करने के लिए 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। अब देश के किसानों को खेती में भी कारोबार की तरह लाभ मिलेगा। पीएम किसान एफपी योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 11 किसानों को संगठित होकर अपनी कृषि कंपनी बनानी होगी। एफपी योजना के तहत किसानों द्वारा गठित कंपनी संगठनों को सरकार द्वारा ये सभी फायदा प्रदान किया जाएगा जो एक कंपनी को प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि 3 सालों में प्रदान की जाएगी और इस योजना के माध्यम से देश के 10,000 नए किसान संगठनों को बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम किसान एफपीओ योजना के लाभ। पीएम किसान एफपीओ योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना का पूरा नाम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। इस योजना का लाभ देश के किसानों को दिया जाएगा। ये एक उत्पादक संगठन होता है जिसके सदस्य किसान होते हैं। पीएम किसान एफपीओ योजना के माध्यम से किसानों को तकनीकी, मार्केटिंग, ऋण और प्रोसेसिंग और सिंचाई आदि जैसी सुविधा प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा यह धनराशि 3 सालों के भीतर दी जाएगी। इसके अलावा इस संगठन के माध्यम से किसानों को बीज, खाद, मशीनरी, मार्केट लिंकेज, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग, वित्तीय सहायता आदि जैसी सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान एफपीओ योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता, इच्छुक आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए। मैदानी क्षेत्रों में एफपीओ में कम से कम 300 और पहाड़ी क्षेत्रों में के एफपीओ में कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए। एफपीओ के पास स्वयं की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए एवं उसे समूह का हिस्सा होना चाहिए। पीएम एफपीओ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, आवेदक का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते के विवरण, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड, बैंक से लिंक मोबाइल नंबर, जमीन के कागजात, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र। प्रधानमंत्री किसान अपीय योजना में कैसे करें आवेदन। इच्छुक आवेदक किसान को सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट https://enam.government.in पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने इस योजना का होम पेज खुलकर सामने जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर सामने जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन टाइप, रजिस्ट्रेशन लेवल, पूरा नाम, जेंडर, पता, जन्म तिथि, एरिया, पिन कोड, तहसील, फोटो आईडी टाइप, मोबाइल नंबर, वैध ईमेल आईडी, कंपनी का नाम, जिला, स्टेट, बैंक खाते का विवरण आदि दर्ज करना होगा। इसके बाद सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका इस योजना के तहत आवेदन पूरा हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप सभी जगह। और हमारे लेटेस्ट वीडियो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।